नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के लगातार दौरे कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी जहां नए नए वादे कर रही है, वहीं केजरीवाल ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि आपकी लड़ाई सत्ताधारी भाजपा से है और कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं नहीं है। जी हाँ, मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी केजरीवाल ने हंसते हुए कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है। दरअसल मंगलवार को केजरीवाल अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आप सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, लेकिन एड्स पर पंजाब सरकार ने गुजरात पे करोड़ों खर्च कर दिए। इस बात पर अरविंद केजरीवाल ने हंसते हुए जवाब दिया कि भाई कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए, अब आप उनके प्रश्नों के बारे में मत चिंता कीजिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि जनता हमारे साथ है, जनता के मन में कोई सवाल नहीं है, जनता हमसे बेहद खुश है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि वे राज्य में सत्तारूढ़ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों, वकीलों और कारोबारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने शहर के घाट लोधिया इलाके में एक ऑटो रिक्शा चालक के घर पर रात का खाना भी खाया। हाल के महीनों में गुजरात की अपनी कई यात्राओं के दौरान केजरीवाल ने अलग गारंटियों का घोषणा भी की है। इसमें प्रति महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं व बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ते, मुफ्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल और नई नौकरियों का सृजन शामिल है। अब दिलचस्प ये होगा देखने के लिए कि क्या दिल्ली और पंजाब के बाद क्या केजरीवाल अपनी पैठ गुजरात में जमा पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि हाल ही के महीनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। फिलहाल की इस खबर पर इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। धन्यवाद।